अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक लाइव नुस्खा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई खैरियत से होंगे और जो मैं नुस्खे ज़ात बताता हूँ, जो आपको टोटके बताता हूँ, उन सब से काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँच जाए आसानी से। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का नुस्खा लेकर के हाजिर हूँ। दिखाऊंगा कि क्या क्वालिटी होती है जड़ी बूटियों की और कैसे तैयार होता है। इन सभी चीज़ों से एक बहुत ही मुगल्लिज नुस्खा यानी कि माजून। तो इस नुस्खे में बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, कुछ महंगी चीज़ें भी हैं, कुछ सस्ती चीज़ें भी हैं, लेकिन जिस इंसान ने इसको खा लिया, इंशाल्लाह शरीर के अंदर लोहा पैदा कर देगा, नफ्स के अंदर यानी कि लिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त टाइटनेस और बहुत उम्दा वाला लोहा पैदा कर देगा। जिसके अंदर टाइटनेस की कमी है, उसके लिए बेहद ही ख़ास है, उन मर्दों के लिए, नौजवान लड़कों के लिए जिन्होंने अपने शरीर को कमज़ोर कर लिया है हाथों का इस्तेमाल कर करके। तो इस सब में ये सामान लगेंगे, ओरिजिनल आपको लेकर आने हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको कुलंजान लेना है, अच्छा वाला कुलंजान आता है, पान की जड़, ये लेना है आपको 100 ग्राम। उसके बाद आपने सफ़ेद तिल लेने हैं 100 ग्राम, ठीक है, सफ़ेद तिल आते हैं, ये आपने 100 ग्राम लेने हैं। ताल मखाना, ओरिजिनल देख लीजिए कैसी इसकी चमक है, ताल मखाना लेना है आपको 50 ग्राम। उसके बाद आ जाते हैं तुख्मे प्याज, प्याज के ये बीज होते हैं, ये आपने लेने हैं 100 ग्राम। और अब ये जो आपको पाउडर दिख रहा है, ये अश्वगंधा, ये मैंने पाउडर कर रखा है, ये 100 ग्राम लेना है। काले तिल, ये भी आपने 100 ग्राम लेने हैं, काले वाले तिल, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है कद्दू के बीज, ये आपको 100 ग्राम लेने हैं। कद्दू के बीज पंसारी के यहाँ जाओगे तो मिल जाएंगे 100 ग्राम, ये मैं आपको पहचान करा रहा हूँ। खसखास, ये आपको 50 ग्राम लेनी है, खसखास ये 50 ग्राम लेनी है, थोड़ी सी महंगी पड़ेगी लेकिन लेकर आनी है। पनबा दाना, जिसे मग्स बिनोला भी बोला जाता है, ये आपको 100 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने ये जो मग्स है ना, ये मग्स चारों मग्स हैं, ये आपको 100-100 ग्राम लेने हैं। पिस्ता आपने 100 ग्राम लेना है, ठीक है, पिस्ता जो है आपको 100 ग्राम लेना है आपने ये पिस्ता, और चारों मग्स आपको 100-100 ग्राम ले लेने हैं, ठीक है। अब ये जो चारों मग्स हैं, एक तो खरबूजे का होता है, एक तरबूज का होता है, ठीक है, ये और जी आपके ये जो मग्स चारों हैं ये आपको ले लेने हैं। एक मैंने आपको ये वाला बताया जो कद्दू के हैं, ये भी। उसके बाद आपको अखरोट लेना है, वो क्या बोलते हैं, मग्स अखरोट, मग्स अखरोट आपने इसमें 100 ग्राम लेना है, ठीक है। उसके बाद मग्स बादाम, इसमें आपको 100 ग्राम लेना है, ठीक है, पिस्ता भी 100 ग्राम लेना है, मग्ज़ अखरोट, मग्ज़ बादाम 100 ग्राम। मूसली सफ़ेद, ये आपको सफ़ेद वाली इंडियन लेनी है 100 ग्राम, मूसली सफ़ेद इंडियन 100 ग्राम ले ली है, ये सूखी भी लेकर आनी है आपको, सूखी हुई बिल्कुल कड़क। अकरकरा ईरानी, ये आपने 50 ग्राम लेना है, थोड़ा सा महंगा ये पड़ता है लेकिन आपको लेकर आना है 50 ग्राम। इसमें कुछ चीज़ें मैंने नहीं रख रखी लेकिन आपको लेना है, सितावर 50 ग्राम लेना है, कोच बीज 50 ग्राम लेना है, शकाकुल मिश्री 50 ग्राम और कीकर का गोंद जो होता है वो आपने 50 ग्राम लेना है। लिख लीजिए ये सब चीज़ें भी। अब इन सभी चीज़ों को सुखाएं सबसे पहले और अलग अलग इनका सफूफ बनाएं, पाउडर बनाएं। उसके बाद जो है आपने इसके अंदर अच्छा वाला शहद लेना है, ठीक है, अच्छा वाला शहद डालकर इन सबको एक जगह मिलाकर आपने इसका माजून तैयार करना है और इसमें वर्क नुकरा आपको डालना है 20 अदद। ये मैंने अपनी क्वांटिटी बताई है, जितना मैंने ये माजून तैयार किया है, आप इसी हिसाब से कम करके, बिल्कुल इसी हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा, इसको सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ में इस्तेमाल करनी है और ताकत, लोहे वाली ताकत इंशाल्लाह, जो मैंने बोल दिया कि लोहे वाली ताकत आएगी तो आएगी, इससे कोई नहीं बदल सकता। जिसके नफ्स के अंदर ढीलापन है, मुर्दा लिंग है, मर चुका है,
इंशाल्लाह वो भी जिंदा हो जाएगा। इतनी जबरदस्त ताकत ये देगा मुगलिस, वीरिय को इतना गाढ़ा कर देगा कि चिपक गया जहां पर, छूटेगा नहीं वहां से। तो इंशाल्लाह इसको इस तरीके से बनाएं, सामान लेकर आएं, और इस्तेमाल करने का तरीका सुबह शाम दूध के साथ खाली पेट लेना है। इस्तेमाल कर लें, 2-3 महीना लगातार इस्तेमाल कर लेने से सारी जड़ से दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो भी दिक्कत है सारी जड़ से ख़त्म कर देगा, ठीक है, क्योंकि देसी जड़ी बूटी है, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक लेनी पड़ती हैं। तो अब ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब